आज का डिस्कशन है रिगार्डिंग लिश्मनायसिस, लिश्मिया, ये है क्या, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्कशन कैसी होगी, सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे लिश्मनायसिस है क्या, फिर उसके बाद इसका कॉज क्या है, मतलब कौन सा एजेंट है, चीज है जो ये लिश्मनायसिस कॉज कर रहा है, फिर उसके बाद हम वैक्टर लफ्ज को समझेंगे और इस लिश्मनायसिस का वैक्टर क्या है वो जानेंगे, फिर उसके बाद हमारे पास टाइप्स होते हैं लिश्मनायसिस के, डिफरेंट टाइप्स होते हैं वो टाइप्स जानेंगे, फिर उसके बाद हम आएंगे टूवर्ड्स द लाइफ साइकिल ऑफ द लिश्मिनिया, यानी कि ये वो चीज है जो लिश्मिया कॉज कर रहा है, तो उस चीज का लाइफ साइकिल हम डिस्कस करेंगे। बायोलॉजिकली अगर मैं कहूं जो चीज यहां पर कॉजेटिव एजेंट है, जो पैरासाइट है, उसका लाइफ साइकिल हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट, लिश्मनायसिस है क्या। अभी जो लिश्मनायसिस है ये असल में एक डिजीज है जो कि एक पैरासाइट कॉज करता है, और ये किस तरह से दिखता है, आपके जो स्किन है उसको ये डैमेज करता है, मोस्टली जो इसके प्रोमिनेंट साइट्स हैं स्किन है, आपके म्यूकस मेम्ब्रेन है जो कि आपके माउथ और नोज में होते हैं, और फिर उसके बाद स्प्लीन है, लीवर है और बोन मैरो है, ये इसके इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जिसको ये डैमेज करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास क्या लिश्मनायसिस है, सिंपल वर्ड में अगर आप लोगों से कोई पूछे व्हाट इज लिश्मनायसिस, सिंपल लिश्मनायसिस जो है वो एक डिजीज है जो एक पैरासाइट कॉज करता है, और ये हमारे स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और साथ में स्प्लीन, लीवर, बोन मैरो को ये डैमेज करता है, इन वेरी सिंपल वर्ड्स। फिर अभी हम आते हैं टुवर्ड्स द कॉज, कि इसका कॉज क्या है, बहुत सिंपल सा कॉज है, एक हमारे पास प्रोटोजोअल पैरासाइट है जिसका नाम है लिश्मिनिया, क्या है इसका, लिश्मिनिया, तो ये हमारे पास एक कॉजेटिव एजेंट है। अब यहां पर लफ्ज है वेक्टर, जिसको बोलते हैं सैंड फ्लाई, वेक्टर लफ्ज पहले समझते हैं, इन शॉर्ट वेक्टर क्या होता है, ये असल में एक गाड़ी समझ ले, एक व्हीकल समझ ले जिसमें ये लिश्मिनिया जो है वो ट्रेवल करता है। अभी लिश्मिनिया जो है ये एक जगह से दूसरी जगह खुद ब खुद नहीं जा सकता, तो इसको चाहिए होते हैं कुछ व्हीकल्स, कुछ कार्स, कुछ हेल्प आउट जो इसको दें। अभी यहां पर सैंड फ्लाई है वो इस लिश्मिनिया को अपने माउथ में कैरी करता है, फिर ये किसी और जगह पर पहुंचाता है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं सिंपल वर्ड्स में, हमारे पास एनिमल्स टू ह्यूमंस जो है इसके ट्रांसफर होती है इस लिश्मिनिया की, लेकिन एक हमारे पास है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर जो है वो ये सैंड फ्लाई जो है वो परफॉर्म करता है। साथ में और भी हमारे पास सोर्सेज हैं, जराए हैं जिसमें, जिसके थ्रू ये लिश्मिनिया जो है वो ट्रांसफर करता है, जो ब्लड बैंकिंग ऑफ ब्लड होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। वेल, ये सैंड फ्लाई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिगार्डिंग ह्यूमंस टू ह्यूमंस ट्रांसफर में, सैंड फ्लाई जो है वो रोल प्ले करता है। अभी ये सैंड फ्लाई जो है क्या है, ये वेक्टर है, क्यों, क्योंकि लिश्मिनिया जो है वो इसमें ट्रेवल कर रहा है, लिश्मिनिया इसके अंदर आता है और फिर ये जो है बाय मीन ऑफ इट्स बाइट जो है ये ट्रांसफर करता है ह्यूमन में, एक ह्यूमन से निकालेगा दूसरे ह्यूमन में डालेगा, तो इस तरह से क्या हुआ, ये ट्रांसफर करवा रहा है। तो ये अभी क्या कर रहा है, ये ट्रांसफर कर रहा है, तो ये एक असल में गाड़ी है, एक व्हीकल है, एक वेक्टर है, बायोलॉजिकली इसको क्या कहते हैं, वेक्टर, बायोलॉजिकली एक गाड़ी को हम लोग वेक्टर कहते हैं। तो हमारे पास सनफ्लावर जो है वो एक वेक्टर है फॉर द लिश्मिनिया। टाइप्स क्या हमारे पास इसके, बहुत सिंपल, तीन हमारे पास टाइप्स हैं। हमने स्टार्ट में कहा कि हमारे पास लिश्मनायसिस जो है वो तीन जगहों पर हमें इफेक्ट करता है, हमारे स्किन पर, म्यूकस मेम्ब्रेन पर और विसरल ऑर्गन्स पर, लाइक स्प्लीन, लीवर, बोन मैरो। तो बिल्कुल वही तीन टारगेट्स की वजह से हमारे पास तीन टाइप्स के लिश्मनायसिस हैं। क्यूटेनियस कहाँ पर है, स्किन में है, म्यूकोक्यूटेनियस कहाँ पर है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, और विसरल हमारे पास लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो की बात हम कर रहे हैं। ओके, तो यहां पर हो गया हमारे पास टाइप्स डिस्कस्ड। अभी आते टुवर्ड्स द लाइफ साइकिल ऑफ दिस लिश्मिनिया। अभी ये लिश्मिनिया जब सैंड फ्लाई जो है वो फॉरवर्ड करता है, ट्रांसफर करता है एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में, किस तरह से ट्रांसफर करता है, ये लिश्मिनिया जब इस सैंड फ्लाई के अंदर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोमेस्टिगोट। ये प्रोमेस्टिगोट जब ट्रांसफर करता है ह्यूमन में, ब्लड में फिर जाता है, तो फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोमेस्टिगोट ही बोलते हैं, और उसका शक्ल इस तरह से होता है, ये फ्लैट शक्ल होता है और यहां पर इसका एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग फ्लैजुलम बोलते हैं। और ये जो प्रोमेस्टिगोट है जब ये जाता है, ट्रेवल कर रहा होता है ब्लड में, तो उनका सामना होता है मैक्रोफेज से। मैक्रोफेज क्या करते हैं, वो इस प्रोमेस्टिगोट को एनगल्फ करते हैं, अंदर लेते हैं, और फिर ये जब उस मैक्रोफेज के अंदर जाते हैं वहां पर ये क्या हो जाते हैं, ये एमेस्टिगोट्स शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, मतलब इनका जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था वो डिसअपीयर हो जाता है और इस तरह से एक ओवल शेप बन जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं फिर एमेस्टिगोट। और एमेस्टिगोट्स बाइनरी फ्यूजन के थ्रू जो है वो डिवाइड कर रहा होता है इसी मैक्रोफेज के अंदर, और एक टाइम पहुंचता है कि इसकी कंसंट्रेशन, इसकी अमाउंट, इसके नंबर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे फिर ये मैक्रोफेज को बर्स्ट कर लेते हैं और फिर फ्रीली ब्लड में अवेलेबल होते हैं। इन द मीनवाइल क्या होता है कि अगर बाई चांस कोई और सैंड फ्लाई
फ्लाई आ जाए और उस इन्फेक्टेड पर्सन को क्या करें, बाइट करें। उससे फिर ये जो यहाँ पर ब्लड में अवेलेबल था, क्या हमारे पास जो एमेस्टिकॉट्स थे जो ब्लड में थे, वो क्या करते हैं, वो फिर ये ले लेता है और फिर इसी सैंड फ्लाई के अंदर वो एमेस्टिगॉट्स जो है प्रोमेस्टिगॉट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिंपल सी बात है, सिर्फ और सिर्फ प्रोमेस्टिगॉट से एमेस्टिगॉट में कन्वर्जन होती है। इन द मीनवाइल इनकी एक डिवीजन भी होती है, जो आप लोगों ने सिर्फ जानना है कि प्रोमेस्टिगॉट के थ्रू ये अंदर जाता है, प्रोमेस्टिगॉट ही रहता है, मैक्रोफेज के अंदर जो है वो एमेस्टिगॉट कन्वर्ट हो जाता है और एमेस्टिगॉट जो है दोबारा से फिर वो जब ये आते हैं सैंड फ्लाई के अंदर दोबारा से प्रोमेस्टिगॉट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिंपल सी बात है, सिंपल सा साइकिल है, आपके पास प्रोमेस्टिगॉट से एमेस्टिगॉट में कन्वर्जन होती है और एमेस्टिगॉट दोबारा से प्रोमेस्टिगॉट में कन्वर्ट होते हैं। तो ये इसका क्या है, कन्वर्जन है और ये इसका पाथ है कि किस तरह से ये करते हैं। ओके, प्रोमेस्टिगॉट एमेस्टिगॉट में डिफरेंस क्या है, प्रोमेस्टिगॉट्स में हमारे पास फ्लैजेलम होता है इन पर और एमेस्टिगॉट्स में ओवल शेप, नो फ्लैजेलम। और इस तरह से होता है हमारा डिस्कशन कंप्लीट रिगार्डिंग द लिशमैनियासिस लाइफ साइकिल।